हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान के एक फोन कॉल ने कैसे मचाई आमिर के कैंप में धूम। दीपिका की रेस में वापसी ने क्यों कर दिया सोनाक्षी को ट्रैक से आउट। हेमा मालिनी के बाद कौन बनने जा रही हैं बॉलीवुड की न्यू ड्रीम गर्ल। काजोल की सिस्टर तनिषा स्पॉट की गई किसके साथ। और दिखाएंगे आपको बॉलीवुड डेब्यू से पहले सनी देओल के सन करण की पहली झलक। सलमान खान के एक फोन कॉल ने आमिर खान के कैंप में मचा दी है धूम। इस धूम का असर कुछ ऐसा हुआ है कि आमिर लगातार तीसरे साल क्रिसमस के ओकेशन पर बॉक्स ऑफिस से गायब होने जा रहे हैं। तो क्या थी सलमान भाई के इस फोन कॉल की वजह, देखिए हमारी इस स्टोरी में। सलमान मेरे पीछे नहीं, सलमान मेरे आगे हैं। सलमान ने बाकायदा प्रूव कर दिया है कि सलमान भाई जो हैं वो इस वक्त नंबर वन रूलिंग हैं। सबसे फ्रंट पर हैं आमिर, सबसे फ्रंट पर हैं आमिर। अब जब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे की नजर में नंबर वन है तो फिर इनका आपस में कोई कॉम्पिटिशन कैसे हो सकता है? और जब कोई छोटा मोटा क्लैश भी नहीं हो सकता तो फिर इनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्लैश तो भूल ही जाइए। जी हाँ, इन बेस्ट बरीज टॉप खान्स की दोस्ती का नया अपडेट ये है कि अब की बार आमिर ने सलमान के लिए कर दिया है एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। सलमान के लिए आमिर ने छोड़ दिया है अपना क्रिसमस रिलीज का ऑब्सेशन। जी हाँ, इस साल उनकी रीमा कक्ती के डायरेक्शन वाली फिल्म धुआं तो पहले ही 25 दिसंबर पर रिलीज की डेडलाइन क्रॉस कर गई है, पर नेक्स्ट ईयर धूम 3 को 25 दिसंबर पर रिलीज करके आमिर एक बार फिर तारे जमीन पर गजनी और 3 इडियट्स जैसी सक्सेस दोबारा पाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन खबर आई है कि आमिर ने सलमान खान के लिए अपना ये ख्वाब कुर्बान कर दिया है। दरअसल बात यह है कि सलमान खान नेक्स्ट ईयर मार्च में दबंग 2 को फ्लोर पर ला रहे हैं और सलमान ने भी दबंग 2 को 2012 की क्रिसमस रिलीज बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनकी यशराज बैनर की एक था टाइगर पहले ही ईद रिलीज का स्लॉट भर चुकी है। लेकिन जैसे ही सलमान ने सुना कि आमिर स्टार धूम 3 भी क्रिसमस पर रिलीज हो रही है तो उन्होंने आमिर को फोन करके अपनी विश बता दी। ये तो जूम आपको पहले ही बता चुका है कि आमिर की फिल्म धुआं के लिए यशराज और सलमान पहले ही एक था टाइगर को पोस्टपोन कर चुके हैं और अब बारी आमिर खान की थी। और शायद आमिर खान के इंटरफेरेंस के बाद यशराज ने धूम 3 को पोस्टपोन करके 2013 में रिलीज करने का फैसला ले लिया। यानी नेक्स्ट ईयर की क्रिसमस पर भी आपको आमिर खान एंटरटेन करने नहीं आएंगे और इस प्रॉस्परस ओकेजन पर उन्होंने ऑडियंसेस को एंटरटेन करने की जिम्मेदारी सलमान खान को दे दी है, जो एक बार फिर दबंग बनकर आएंगे। दीपिका पादुकोण एक बार फिर रेस में आ गई हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं कि दीपिका तो अपने बॉलीवुड डेब्यू से ही टॉप स्पीड में हैं, तो दीपिका की रेस में वापसी का राज खोल ही देते हैं। दीपिका पादुकोण एक बार फिर रेस में लौटी और दीपिका की रेस में वापसी होते ही सोनाक्षी हो गई रेस से आउट। आप सोच रहे होंगे कि हम ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे बता देते हैं कि किस रेस की बात कर रहे हैं हम। दरअसल रेस 2 से दीपिका के आउट होने की कुछ दिन पहले आई खबर अब उलट गई है और अब सुनने में आ रहा है कि रेस 2 के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने जब डेट्स में एडजस्टमेंट का ऑप्शन निकाला तो दीपिका फिल्म के लिए दोबारा राजी हो गई है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि दीपिका के लिए डेट्स में किए गए इस फेरबदल से सोनाक्षी को हो गई है एक बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जहां एक तरफ उन्हें इमेज मेकओवर का मौका देने वाली रेस 2 है तो दूसरी तरफ है सलमान खान स्टारर दबंग 2 जो नेक्स्ट ईयर मार्च में फ्लोर पर जा रही है। और अब मुश्किल ये है कि दीपिका के लिए डेट्स एडजस्ट के चक्कर में रेस 2 भी उसी दौरान फ्लोर पर होगी जब सोनाक्षी दबंग 2 के लिए शूट कर रही होंगी। ऐसे में इतना तो तय है कि सोनाक्षी सलमान का साथ नहीं छोड़ना चाहेंगी, इसीलिए पहले जो सिचुएशन दीपिका के साथ थी अब वो सोनाक्षी के साथ हो गई है। दीपिका को सैफ अली खान और अयान मुखर्जी की रणबीर स्टारर ये जवानी है दीवानी में से किसी एक को चुनना था, लेकिन अब सोनाक्षी को रेस 2 और दबंग 2 में से एक को चुनना है। कोई रणबीर कपूर के लिंक अप्स के नाम पर पब्लिसिटी बटोर रहा है, कौन है वो ब्यूटी इज अप नेक्स्ट। तो
कभी कभी लिंक अप्स करियर के लिए अच्छे होते हैं, स्पेशली अगर लिंक अप रणबीर कपूर के साथ किया गया हो। अब एंजेला जॉनसन को ही ले लीजिए, जब से उनको रणबीर के साथ लिंक किया गया है उनकी तो किस्मत चमक गई है। इनफैक्ट बॉलीवुड में करियर शुरू होने से पहले ही एंजेला स्टार्स की तरह ही बात करने लगी है। चलिए रणबीर कपूर के क्वेश्चन पर उनका जवाब सुनते हैं। रणबीर हैज बीन लाइक अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, यू नो यू बीन so how did he react to it when all the thing had come out, you know, and all that entire rumor and stories? How did you guys react together to it? Well, actually, that's not something that I talk about much. It's kind of in my personal life, and I like to keep it that way. अब क्या करें एंजेला, जब तक आप कुछ काम नहीं कर लेती हम आपसे इसी के बारे में पूछेंगे। आफ्टर ऑल दैट्स योर ओनली क्लेम टू फेम। और सुनिए जरा, बॉलीवुड के कौन सी सुपरस्टार के साथ काम करना चाहती हैं एंजेला? आई थिंक आमिर इज आउटस्टैंडिंग, हिज फिल्म्स, हिज एक्टिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग, एंड वन डे आई होप टू वर्क विद हिम, फिंगर्स क्रॉस्ड। वेल, इंडस्ट्री में आने से पहले आप इतनी सुर्खियां बटोर रही हैं, देखते हैं आपकी फिल्म्स भी इतनी लाइमलाइट में रह पाती हैं या नहीं। Recently, Kajol ki sister Tanisha spot ki gayi ek mysterious man ke saath. Let's find out who is the new man in Tanisha's life. Inhe pehchana aapne? Tanisha ko pehchanne mein aapko koi dikkat nahi hui hogi. Aakhir woh Bollywood ki one of the most famous actresses Kajol ki sister jo hai. Lekin Tanisha kiske saath spot ki gayi hai yahan? यही है वो बात जो खबर बन रही है, क्योंकि तनीषा चाहे बड़े पर्दे पर कभी कभार ही दिखती हो मगर तनीषा पेज 3 इवेंट्स में तो दिखी जाती हैं। अब इस रीसेंट पार्टी को ही ले लीजिए जहां बहुत सारे सेलेब्स पहुंचे थे। वी रादर नॉट कमेंट ऑन व्हाट शी इज वेयरिंग बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद इट, मगर तनीषा इस पार्टी में आई किसी फ्रेंड के साथ एंड दैट्स डेफिनेटली गॉट आवर अटेंशन। Is this the new man in her life? Well, we aren't too sure about that. Magar dono kafi close lag rahe the. Saath mein aaye aur saath mein gaye. And they were together throughout the party. In the past, Tanisha ko businessman Vikram Chhatwal aur Uday Chopra ke saath link kiya gaya tha. But we don't have much information about this mysterious man. But don't worry, hamari koshish jari hai. Aur hum jald hi aapko Tanisha ke is special friend ke baare mein bata denge. सिद्धार्थ माल्या अगर किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करे तो वो खबर बनेगी ही, और अगर वो दीपिका नहीं कोई और हो तो फिर हेडलाइंस बनना तो तय है। तो आपको दिखाते हैं किसकी बात कर रहे हैं सिद्धार्थ। कटरीना करती हैं उनके टीम को चीयर, दीपिका करती हैं उनको चीयर अप। फ्रॉम दीज लवली लेडीज टू सेक्सी चीयरलीडर्स, दिस मैन सीम्स टू बी अ रियल लेडी किलर। लेट्स हियर माल्या जूनियर reveal about another lady in his life. Did you meet her and talk to her? Been, you know, I'm sure you guys have been affected by unnecessary rumors going around all the time. So how did you guys react to it? I've known Sophie for years, absolutely years. I've known Sophie for ages. You know, we're good friends. I think someone said, you know, I mentioned a girl called Sophie on Simi Gariwal's show and everyone immediately thought it was her, but you know, there's more than one Sophie in the world. The Sophie I was referring to is actually 4,000 miles away in the UK, so it's not the same one. But you know, what can you do? We're friends, you laugh about these things. Siddharth ne to clarify kar diya ki wo Sophie ye Sophie nahi hai. Magar ye Sophie kya keh rahi hai Siddharth Malia ke baare mein, zara sun lijiye. I don't think I need to justify my friendships to anybody, and I think that if we're living in a time where we can't attend functions with some of our oldest friends, I think we're in very regressive time. And I think whatever our friendship, relationship, whatever it is, it's between all of us, nobody's business. And to this day, I refuse to live my life by the media. Relax, Sophie. Siddharth just clarified that the Sophie in his life was not you. So, ab kuch chhupane ke liye kaha reh gaya hai? Unless, aapke is typical statement se aap hame ye to nahi kehna cha rahi hain ki aap dono ke beech mein sachmuch kuch tha? Well, for the moment, we shall take Sid's word for it. So much is written these days about me and plenty of people, and you know, at the end of the day, life's something that one should keep to themselves, and it's not something that 1.5 billion people need to get involved in. Well said, Mr. Malia. खबरें आ रही है सनी डियोल के सन के ग्रैंड लॉन्च की, और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आज आपको दिखाने जा रहा है करण डियोल की पहली झलक। कभी वो घायल बना, कभी विश्वात्मा और कभी नरसिम्हा। दामिनी से लेकर गदर तक इंडस्ट्री में सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर कितना गदर मचाया है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कुछ था जिसे सनी छिपा कर रखना चाहते थे पर वो ऐसा कर नहीं पाए। जी हाँ, जूम आपको दिखाने जा रहा है सनी देओल के सन की पहली झलक।
इनसे मिलिए। ये है करण देओल, सनी देओल के वही साहबजादे जिनके बॉलीवुड डेब्यू के चर्चे हैं इन दिनों। कहा जा रहा है कि करण के ग्रैंड लॉन्च तक उनके लुक को गार्डन रखा जाएगा। अब करण के बॉलीवुड लॉन्च की खबरों का सच जो भी हो, पर सनी के सन की ये झलक पूरी तरह सच है और उनकी ये झलक हमें मिली एक स्टोर लॉन्च के दौरान, जहां पहुंची थी बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां। और इन्हीं के बीच हमारा कैमरा नहीं चूका करण देओल को कैप्चर करने से। बॉलीवुड को जल्द ही मिलने जा रही है एक न्यू ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी के बाद अब कौन बनने जा रही है हर किसी के ड्रीम्स में आने वाली गर्ल, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। बॉलीवुड को मिलने वाली है एक नई ड्रीम गर्ल। जी हाँ, ओरिजिनल ड्रीम गर्ल इज बिजी रिवाइविंग द करियर ऑफ हर डॉटर ईशा देओल। वहीं डैडी धर्मेंद्र इज ऑल सेट विद द प्लान टू गिव बॉलीवुड अ न्यू ड्रीम गर्ल। Zoom के sources के according, while marketing tell me, oh खुदा, धर्मेंद्र ने realize किया, अब Bollywood is not only about movie making, अब जरूरत है marketing की भी। तो धर्मेंद्र decided that Ahana का launch सिर्फ एक movie के साथ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि she should be given an image to create a buzz in the market. So Dharam Papa decided that Ahana will be launched as the dream girl of Gen Next. वैसे तो हमारे sources का ये भी कहना है that being a designer, Ahana wanted to arrive as fashion queen. But that spot will have tough competition from Sonam Kapoor. So Papa Dharmendra suggested dream girl. क्योंकि after Aishwarya Rai, this spot is empty. अब बारी है आपको एक hot and sexy photo shoot दिखाने की। तो Planet Bollywood News आपके लिए कैप्चर कर लाया है दीपिका पादुकोण के वो poses जो उन्होंने दिए हैं एक मैगजीन के लिए। With F1, the world's fastest and most dangerous sport is headed to India in Delhi. High Blitz magazine's latest issue grabs the winning zeal and stylish panache of the Indian groppy by featuring Bollywood's hottest female actor with the magnificent Force India team car. Deepika Padukone personifies the spirit of F1 perfectly. She hails from an illustrious sports background, has watched her father Prakash Padukone play gritly to win, and from the way she handles her own career, it is clear she is her father's daughter. Sonakshi Sinha recently nazar aayi thi bridal avatar mein. इसी दौरान उन्होंने Planet Bollywood News को एक्सक्लूसिवली बताया कैसा होगा उनका रियल लाइफ ब्राइडल अवतार। उनके मस्त मस्त नैन भले ही आपके दिन का चैन ले गए हो, पर आज वो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली हैं। प्रेजेंटिंग सोनाक्षी सिन्हा इन ब्राइडल अवतार एंड द वुमन बिहाइंड इन महिका। सोनाक्षी महिका, वेलकम टू ज़ू। थैंक यू, आई लव दैट इंट्रोडक्शन। थैंक यू, आई लव्स यू। थैंक्स। सो वी आर वेरी ग्रीडी, वी आर गोइंग टू टेक अ क्लोजर लुक ऑन व्हाट यू आर वेयरिंग एंड महिका प्लीज एक्सप्लेन इट टू अस। यस, I think she's wearing a collection which is a lehenga and it's a deep pink in color. It's something different from the contemporary bride and it's not very traditional and it goes beautiful with her personality. So we've chosen a garment which flatters her. Sonakshi, what's your take on the dress? I love it. I think I always prefer to wear something I'm comfortable with, and Mahika is such a designer that she sees your body type, your structure, your skin color, your complexion, all of it, you know, to sort of make something beautiful for you. Which positive energy which she has, that's why the garment is glowing with her in it. Usually when a girl decides to get married, उसके पास दो options होते हैं, या तो designer wear ले या मम्मा का कुछ heirloom ले। तो सोनाक्षी, whenever she decides to get married, वो क्या पहनेगी? मैं I think वो तो दूर की बात है, but I would love to wear my mother's ghagra which she wore. It was same color in fact, so yeah, and she looked beautiful in it. And उनकी jewellery तो मैं वैसे भी पहनती हूँ, her jewellery is my favorite jewellery and her taste is impeccable, so yeah. Okay, now here comes the most interesting part. क्योंकि सोनाक्षी माय सबसे क्लीशेड क्वेश्चन का आंसर देने वाली है, व्हाट काइंड ऑफ गाय शी वुड लाइक टू मैरी। आई एम थिंकिंग ऑफ वर्क, आई एम गोना गिव यू अ क्लीशेड आंसर आल्सो। आई वर्क हार्ड एंड आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ। 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन, आई डोंट थिंक दैट लॉन्ग डाउन द लाइन। थैंक यू। इट सीम्स सोनाक्षी का परफेक्ट ग्रूम कौन होगा ये जानने में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक लिए वी हैव टू मेक डू विद आवर मूवीज विद कैमरामैन कैलाश, कीर्ति तरंग, ज़ू मुंबई। आमिर खान ने धूम के पुराने विलन से कम्पीट करने की बजाय चली है एक नई चाल। क्या है आमिर खान का अपने धूम 3 लुक के लिए नया मूव? ज़ू रिवील। एक फिल्म पूरी हुई नहीं कि आमिर के अगले कदम पर कायस लगाना शुरू हो जाता है। और अब जैसे जैसे धुआं का शूटिंग स्केड्यूल कम्प्लीशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, अगली फिल्म में उनके लुक को लेकर खबरें गर्म हो गई हैं। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं आमिर की विलन वाली एंट्री की, जो होने वाली है धूम 3 में। और इस फिल्म के बारे में सुनने में आया है कि आमिर ना तो जॉन इब्राहिम से कोई कंपैरिजन चाहते हैं और ना ही वो ऋतिक रोशन से कुछ टिप्स लेने जा रहे हैं, बल्कि जूम को पता चला है कि आमिर ने आदित्य चोपड़ा को अपने एक यूनिक आइडिया के लिए राजी कर लिया है। Reportedly, Amir managed to convince Aditya Chopra that this time let the villain be an astute guy who is sexy in a suave way, somewhere down the lines of Robert De Niro or Godfather. अब तो आप समझ ही गए होंगे Mr. Perfectionist की intelligence. वैसे तो आमिर एक बार गजनी के लिए मस्कुलर बॉडी बना चुके हैं और उससे बॉक्स ऑफिस हिट भी बना दिया था आमिर ने, पर इस बार उन्होंने धूम 3 में विलन प्ले करने के लिए जॉन और ऋतिक से कॉम्पिटिशन अवॉइड किया है एंड विदाउट चेंजिंग द DNA ऑफ द कैरेक्टर उन्होंने निकाला है एक बीच का रास्ता। अब आमिर का ये मूव क्या है ये जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अभिषेक बच्चन ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात की है, आप खुद ही सुनिए अभिषेक के कैंडिड कन्फेशन। मिठास का महीना है और मेरे साथ में इस वक्त बातें करने के, मीठी मीठी बातें करने के लिए बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर अभिषेक बच्चन मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कैसी तबीयत है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सलमा। एंड हमने सुना बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान आप थोड़े से जख्मी हो गए थे, इतना अपने आप पूरे डेडिकेशन के साथ शूट कर रहे हैं? ये होते रहता है, आई हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट, कट माय आई, बट आई एम ओके नाउ, ऑल गुड। या ओके, यहाँ पर आज अनीता डुमरे के शॉप के लिए आए हैं, शोकोलाड के लिए आए हैं, तो जस्ट बताइए कि इसके बारे में। शोकोलाड जो एक नई दुकान, एक नई कैफ़े बोल सकते हैं, चॉकलेट कैफ़े, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं मेहुल, उन्होंने खोली है और उन्होंने कहा था कि आज ओपनिंग है तो आप आए, तो मैं आ गया हूँ। स्टार्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता चॉकलेट खाना, बिकॉज उसके बाद काफ़ी वक्त जिम में निकालना है, बताओ? आई थिंक ठीक है, चॉकलेट इज फाइन, इज गुड फॉर यू, इट पुट्स यू इन अ गुड मूड, एज लॉन्ग एज यू वर्क इट ऑफ इन द जिम इट्स फाइन, ज़्यादा ना खाएं बस। यहाँ पर कॉफ़ी भी है तो हम जानना चाहेंगे कि कॉफ़ी आपको कितनी पसंद है? आई लव कॉफ़ी, आई लिव ऑन कॉफ़ी, आई ड्रिंक टू मच कॉफ़ी एक्चुअली, आई शुड कट डाउन ऑन इट, सो बट आई लव कॉफ़ी एंड द कॉफ़ी हियर इज वेरी गुड, स्पेशली द कैपुचिनो। किसके साथ कॉफी पीना पसंद है अभिषेक बच्चन को? I only like coffee with Karan, that's as simple as that. Come on, वो आपकी पति नहीं, जिसके अलावा कोई एक्ट्रेस के साथ मैं आपको कभी कॉफी डेट पे जाऊं? Morning coffee with my wife every day and she's an actress, so yeah, I have coffee with her. स्पेशली कभी ऐश के लिए, ऐश्वर्या के लिए आपने कभी कोई कॉफी बनाई है अपने हाथों से लेके उनके पैकेट? ऐश्वर्या इज एक्चुअली अ टी ड्रिंकर, सो शी प्रेफर्स टी। या टी बना दिया, बट आई हैव माय मॉर्निंग कॉफी विद बोथ माय लेडीज, विद माय मदर एंड माय वाइफ, सो दैट इज आवर मॉर्निंग रिचुअल। या अगर मैं कॉफी की बात करूं तो कितना, मतलब आप कभी कौन से मुंबई के कौन से रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीना पसंद करती है? आपके फेवरेट रेस्टोरेंट कौन से? आई डोंट रियली गेट टाइम टू गो आउट एंड हैव कॉफी, आई हैव कॉफी, आई मेक गुड कॉफी मायसेल्फ, सो आई हैव इट एट होम। अभिषेक, मैं आपको देख रही हूँ कि हम दो महीने बाद मिल रहे हैं, वजन थोड़ा आपने कम कर लिया है, ये किसके लिए, बोल बच्चन के लिए कुछ स्पेशल? जी, कुछ जी जी, फॉर बोल बच्चन एंड धूम अबाउट ऑन द फ्लोर्स नाउ, सो गेटिंग इनटू शेप फॉर दैट। थोड़ी पोस्टपोन भी हो गई? नहीं बिल्कुल नहीं, स्टार्ट आज मैंने न्यूज़ में ऐसे मुझे, आई हर्ड दैट, आई गॉट द, वी स्टार्ट धूम इन अनदर कपल ऑफ वीक्स एक्चुअली, सो यू एक्साइटेड कि आप आमिर के साथ में शूट करने जा रहे हैं? वेरी एक्साइटेड, यू नो आमिर इज अ वंडरफुल एक्टर, इज अ सीनियर, ही इज समबडी, इवन एज अ चाइल्ड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड हिज वर्क एंड आई एम रियली एक्साइटेड, बोथ उदय एंड आई आर वेरी एक्साइटेड दैट वी गेट टू वेलकम हिम टू धूम एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। आमिर इज, आई मीन हु एम आई टू टॉक अबाउट आमिर, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, इज अ great human being and just very excited that I've got the opportunity so early in my career to work with somebody as great as Amit. And now some great news for young gorgeous girls out there. What would you say if we tell you that you can be the face of the race? If you love racing, are confident, fit and glamorous, then this is your chance. Become an Airtel Grid Girl and flag off the 2011 Formula One Airtel Indian Grand Prix. Register on www.airtel.in/Formula One. If you've got what it takes to be India's next door diva, log on to www.idiva.com/nextdoordiva or www.facebook.com/nextdoordiva and register yourself. For more information to participate in Vaseline Lip Therapy Presents Next Door Diva, SMS NDD to 53536. Entries close on 21st October. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.